नमस्कार साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आया है बहुत ही रोचक और रोमांचक कहानी। ये वो कहानी है जिसके पीछे भारत की 80% पब्लिक या जनता दीवानी है। इस दीवानेपन में और इस भक्ति में, इस अंधविश्वास और पाखंड में लीन आज उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो विषय हमारे समाज की बहुत ही कमजोर नस है, जिसे बोलेंगे कि हमारा समाज इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना चल नहीं सकता। तो आखिर ऐसा रोमांचक विषय है क्या? आखिर जागो पंच आपके लिए ऐसा क्या लेके आया है जो वाकई ही बहुत रोचक है और एक बड़ा ही उपयोगी और यूं कहें कि अनुकरणीय, या यूं कहें कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के बीच में घोल दी गई है, वो DNA बन चुकी है। लोग इन कहानियों से निकलने का प्रयास नहीं करते, इन कहानियों के विषय में कभी भी ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि क्या वास्तव में आदमी के शरीर में हाथी का धड़ जोड़ा जा सकता है। आज तक एक ये अपवाद के अलावा कोई दूसरा ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन हमारे समाज के लोग इस पे अंधा विश्वास करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहते। और यदि कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कुदरत ने ये कुदरत के खिलाफ है, ऐसा नहीं हुआ होगा, यदि कोई बोल देता है तो पूरा धर्मांध समाज उसके पीछे पड़ जाता है। आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम ईश्वर से बढ़ के हो? ईश्वर का अपमान कर रहे हो? और यहां तक कि कुछ तो है जिन्हें यह नहीं पता कि वाकई ही ये क्या है, या उनके बारे में जो बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भाई, ये देश सभी संप्रदायों के लिए है। अगर आप सड़क पे लेके मूर्ति का ढिंढोरा पीटोगे तो हमें नहीं पसंद है, हमारी भावना आहत होती है कि तुम उसका ढिंढोरा लेके पीट रहे हो। आप अपने घर में पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सड़क पे लेके आओगे तो हम भी इसी समाज में रह रहे हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर वो बात क्यों करेंगे? उसके पीछे हम वो लॉजिक आपसे भी पूछेंगे, आप हमें संतुष्ट कर देंगे, आप सड़क पे नहीं पूरे भारत भर में तमाशे करते रहिए। लेकिन उन तमाशों में आपको केवल इतना करना होगा कि वो सच्चाई से परिपूर्ण हो। अगर वो सच्चाई से परिपूर्ण नहीं है तो हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। आप भी अपने इन दकियानूसी ख्यालों को लेके अपने घर बैठिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। आप सड़क पे लेके आएंगे, रास्ते में चल के मंदिर बनाएंगे, वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाएंगे, तो तकलीफें हमें भी होती हैं क्योंकि हम भी उसको नहीं सुनना चाहते, हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं उसको सुनने से, उसको देखने से, क्योंकि वो झूठ है और आप कहते हो वो सच है, तो आप उसको मानो, लेकिन हमारे उसके बारे में प्रदर्शन, नंग प्रदर्शन ना करो, आवाज नहीं आएगी। तो आते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश की, कि गणेश का निर्माण कैसे हुआ, गणेश का जन्म कैसे हुआ और गणेश किस लिए बनाया गया, गणेश की उत्पत्ति समाज में किस लिए लाई गई। तो मैं पहले चर्चा करूंगा, विधिवत चर्चा करूंगा, जो जातक कथाएं हैं या जो पुराण हैं उन पुराणों में इनकी चर्चा की गई है, उन पुराणों की चर्चा करते हुए आपसे बात करूंगा और ये बताऊंगा कि एक व्यक्ति के जन्म की प्रक्रिया एक हो सकती है, एक व्यक्ति के जन्म की प्रक्रिया 10 नहीं हो सकती। अगर आप कहते हो गणेश ने पार्वती से जन्म लिया
शंकर जी से शादी हुई थी, पार्वती से जन्म लिया और वह आगे चल के गणेश बन गया, यानी लेकिन वहां पे भी वो हाथी ना का सिर मत जोड़ो। अब हाथी का सिर जोड़ोगे तो बात उठेगी, चर्चा उठेगी, क्योंकि एक आदमी के कोई भी आज तक इतना साइंस बन चुका है, या उस समय कोई साइंस रॉकेट बहुत तेज नहीं था जिस समय हाथी का धड़ जोड़ दिया गया था। तो आज यहां पे पहले चर्चा करेंगे जन्म की। तो जो गणेश की जो जन्म तिथि है वो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने जन्म लिया, उसे गणेश चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा गया। अब ये बताइए आप, गणेश चतुर्थी यानी चतुर्थी तिथि क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं, कितने भी पुराण लिखे गए हैं उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है कि गणेश का जन्म कैसे होता है। गणेश का जन्म हो गया, उस तिथि को गणेश का जन्म हो गया, लेकिन आप देखिए वहां से हट गए, चतुर्थी पे हो गया फिक्स है, लेकिन ये अपनी तरह से कैसे जन्म कर रहे हैं। एक जन्म कर रहा है जिसे बोलते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भगवान गणेश बोल के कि उनका जन्म कैसे हुआ, वह कहां से जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है भगवान शंकर और मां पार्वती को पुत्र प्राप्ति के वरदान के स्वरूप गणेश जी जो पैदा हुए वो माउंट आबू अबूर्द पर्वत पर जन्म लिया, और माउंट आबू को अर्धकाशी भी लोग कहते हैं। तो यहां पर जब जन्म हुआ तो उस परिक्षेत्र को बताते हैं कि वहां देवताएं परिक्रमा लेते हैं, लेकिन अब यहां चर्चा यह उठती है कि गणेश जी ने वहां जन्म लिया, लेकिन ये स्कंद पुराण में यह चर्चा नहीं की गई है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ था वहां पे। यहां पर जो स्कंद पुराण है वो ये कहता है कि वहां पर उन्होंने जन्म लिया और उस स्थल को देवताओं के लिए बना दिया गया, देवता उसकी परिक्रमा करते हैं। अब बताइए, चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आते हैं हम अगले पुराण के बारे में। यहां पे एक ने जन्म कर दिया, यानी अपने पुराणों के अनुसार उनके अनेक जन्म, लेकिन अभी सुनने वाले जो हमारे देखने वाले हैं बड़े अच्छे ज्ञाता श्रोता, वो ये कहने लगेंगे जैसे ब्रह्मा के बारे में जब बात हुई थी कि ब्रह्मा सरस्वती के पिता हैं या पति, तब वहां पे कहा वो दोनों ब्रह्मा अलग अलग हैं। तो अब यहां पे कितने गणेशों का जन्म हुआ है आप देखिए, अब ये वहां पे ये भी दलील लेके आ जाएंगे कितने स्मार्ट हैं, कितने तेज तर्रार हैं ये लोग, कि गणेश का भी जन्म बता देंगे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो उनके जन्मों के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन जन्म तिथि के बारे में एक राय है। ये एक राय तिथि के बारे में कैसे हो गई ये समझ में नहीं आता। जब जन्म के बारे में राय होती कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत एक व्यक्ति का जन्म होता है, तरह तरह की प्रक्रियाएं एक व्यक्ति के जन्म में नहीं हो सकती, व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर अब हम चर्चा करते हैं वराह पुराण। वराह पुराण के अनुसार इसमें भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया। इसमें क्या था कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे, तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव एक रूपवान बहुत सुंदर और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। अब आप देखिए यहां पे बातें, तो देवताओं के मन में ये भय ये डर समा गया कि आखिर हमसे बढ़िया शिवजी इस व्यक्ति को बना रहे हैं, ये हमसे ज्यादा तेज तर्रार होगा, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी होगा, हमसे ज्यादा सुंदर होगा। देवताओं के मन में ये घबराहट आ गई। अब देवता सारे परेशान, लेकिन इनके भोलेनाथ इनके शिवजी तो अंतर्यामी आई है, वो देवताओं के मन की बात जान गए और उन्होंने क्या किया, ऊपर से हाथी का सिर डिजाइन कर दिया। जब सिर डिजाइन कर दिया तो देवताओं को तसल्ली मिल गई। बताइए,
देवता आधीन थे परमेश्वर के, परमेश्वर यानी भोलेनाथ के। तो जब उनके अधीन थे तो उनकी ही बनाई कृति से कितनी जलन रखते थे, तो ये देवता थे, ये तो राक्षसों वाले गुण हुए। देवता तो वो होता है जो सोचता है कि प्रभु मेरे जो बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, जय जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। लेकिन यहां प्रभु की लीला अपरंपार कहां, यहां तो जलन हो रही है। अब इस जलन को क्या कहा जाएगा, इस जलन को यही कहा जाएगा कि वो देवता थे कि राक्षस। अब तकलीफ हो सकती है भक्तों को, अंध भक्तों को, अंधविश्वासी लोगों को, क्योंकि ईश्वर पर बात करना, ईश्वर के बारे में चर्चा करना बहुत बड़ा गुनाह है। भाई क्यों गुनाह है, अगर उसने हमें बनाया है तो उसी तरीके से आप भी चलिए, फिर उस तरीके से जब हम चलेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तब भी आप कहोगे कि नहीं ये अमानवता है। तो यहां पर जो आपके इस गोबर के गणेश ने या गणेश ने जो ये बातें की हैं या उनके जन्म की ये प्रक्रियाएं हैं तरह तरह की, तो ये मन में संदेह उत्पन्न करती हैं। अब क्या भाई, मैं तो कहता हूं लोगों से कि गोबर गणेश ना बने, गोबर गणेश ना बने, गणेश आपकी बुद्धि को चेक करने का पैमाना है, पैरामीटर है, कि आप यदि गोबर के गणेश को स्वीकार कर लेते हैं कि ये प्रभु हैं, उस गोबर में गणेश है, वो गोबर गणेश का रूप दे दिया, एक लिंडी सी बना देंगे, उसको कह देंगे ये गणेश जी हैं और गौरी है ये, अब इस पे पुष्प अर्पित करिए, तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, और आप लगा देते हैं तो आगे का जो टेस्टर है वो टेस्टर चेक कर लेता है कि जैसे बिजली में करंट करने के लिए टेस्टर डाला जाता है कि बिजली आ रही है, लेकिन अब बिजली चेक करनी है कि कितनी आ रही है, बिजली कितनी आ रही है, तो उसके लिए एक मीटर होता है, वो लगाया जाता है, कितना वोल्टेज मीटर, तो उस वोल्टेज मीटर में लगा देते हैं तो बिजली पता लगती है कि 240 है, 280 है, 300 के ऊपर गई। तो अब यही पैरामीटर यहां पे लगा हुआ है, उसने कहा गौरी गणेश हैं ये, आपने स्वीकार कर लिया, फिर आगे अब वोल्टेज मीटर लग रहा है वो आपके बुद्धि का, उसने कहा इसमें तिलक लगाइए, आपने तिलक लगाया, कुमकुम लगाइए, कुमकुम लगाया, अब भोग चढ़ाइए, आपने भोग चढ़ाया, तो आपका जो पैरामीटर है बुद्धि का पैरामीटर वो टेस्टेड हो गया, क्वालिटी अप्रूव्ड, मोहर लग गई उस पे कि अब आप एक नंबर के भक्त हैं। जब भक्त की संख्या मिल गई तब अगले को कोई डर नहीं, यानी कि आप गोबर गणेश पूरी तरह से हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे कोई खतरा नहीं, वो निश्चिंत है कि जब चाहूंगा इसको गोबर का गणेश बना दूंगा, तो डर उसका खत्म हो गया। ये डर कौन ला रहा है, डर वो ला रहा है जिसको एक पे विश्वास नहीं था, स्पंद पुराण पे विश्वास नहीं था, तो अगला लेके दूसरा पुराण आ गया, दूसरा पुराण लेके आया वराह पुराण, उस पे भी लोगों का विश्वास नहीं था, इन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं था, तो उन्होंने नए तरीके से फिर कृष्ण को जन्म दिया और गणेश को जन्म दिया। वो गणेश का जन्म क्या था, वह एक नई कथा के रूप में सामने आ गई। वो कथा क्या थी, अब वो कथा मैं आपको बता ही देता हूं। एक बार भगवान गणेश की एक कथा है, इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, यानी गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, फिर पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको वह वरदान दिया कि आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। उनके चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया, सभी लोग और जितने वहां पे पर्वतवासी हैं सभी खुश, और गणेश जी का जन्म होता है और वहां पर चारों तरफ उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद उस उत्सव में शनि महाराज भी आए हुए थे,
अब शनि महाराज का ऐसा प्रकोप था कि उनकी यदि दृष्टि जिस पे पड़ जाती थी वो नष्ट हो जाता था। अब यहां पे देखिए, इतने शक्तिशाली देव, ऐसे शक्तिशाली देव जो अकल्पनीय हैं, लेकिन ये जो हॉलीवुड की फिल्म है वो हॉलीवुड की फिल्में भी फेल है इस संदर्भ में, क्योंकि वो भी ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि पता नहीं कौन से अंतरिक्ष से निकलते हैं और यान से चलते रहते हैं। ऐसी ही फिल्में हैं ये, ऐसी ही कहानियां हैं ये, क्योंकि जब एक ये कहानी सत्य तब मानी जाती जब एक आधार पर टिकी होती। इसके एक आधार नहीं है, इसके कई आधार हैं। यहां पर अब जब डाला गया, उसे कहा गया कि शनि महाराज आप भी एक बार देख लीजिए हमारे शक्तिशाली पुत्र को, तो उनके ऊपर जब निगाह पड़ती है शनि महाराज की, तो क्या होता है, उनका सिर हवा में उड़ जाता है। अब आप बताइए, जब हवा में उड़ जाएगा तो अब बालक जिंदा कैसे रहेगा? लेकिन वहां पर भाई उत्सव का माहौल था, उस उत्सव के माहौल को खराब नहीं किया जाता जा सकता था, तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। और उस हाहाकार में तब गरुण जी को यह कहा गया कि एक सिर लेके आओ, तो गरुण जी भी निकल पड़े, उन्हें आगे मिल गया हाथी का सिर। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, अब हाथी के बच्चे का सिर हो या हाथी हो, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो विषय है कि जहां पर अब अंध भक्ति में पूरी तरह से लिप्त है और वो कुछ सोचना नहीं चाहता अपनी तरफ से, तो इतनी गहराई से बताने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको केवल इतना बताना है कि एक बार आप भगवान को मानिए, मैं बार बार कहता हूं आप भगवान को मानिए, लेकिन उस स्वरूप को मानिए जो स्वरूप आपको सत्यता का ज्ञान कराता हो। आपको झूठा बोध करा के, आपको गलत कहानी देके उस पर विश्वास करवाना ये निहायत ही निकृष्ट कार्य है, और ये जिसने भी किया है वो सबसे बड़ा डपोर संखी होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब गरुण जी लेके सिर आए तो उस सिर को बच्चे के सिर पे जोड़ा गया। अब आप इस कहानी को यहीं पे सबसे बड़ा पेचीदा जो मोड़ है यहीं पे आता है। अब हाथी की गर्दन जब काटी जाएगी तो हाथी की गर्दन किस तरह कटेगी, और आदमी की गर्दन इस तरह कटेगी। अब आदमी की गर्दन इस तरह कट गई और हाथी की गर्दन इस तरह कट गई, तो अब आदमी का सिर उठा के हम अलग रखते हैं, हाथी को उठा के लाके इस पे रखते हैं, तो हाथी का सिर यहां पे रखेंगे तो सूंड ऐसे होगी, ऐसे नीचे नहीं होगी, ऐसे एकदम सीधा होगी। तो गणेश जी इस तरह सीधा दिखाई नहीं देते आपको। तो ये कौन सी टेक्निक से जोड़ा गया था, ये कौन सी तकनीक से जोड़ा गया था, लेकिन यहां पे फिर बात आती है, वो तकनीक नहीं थी हमारे भगवान पे सवाल नहीं करने का, भगवान पे उंगली नहीं उठाने का, उनके विषय में कोई चीज नहीं बात करने का, उन्होंने कैसा जोड़ा सवाल नहीं करना। भाई उन्होंने मुझे भी बनाया तो मुझसे इस तरह क्यों बुलवा रहे हैं वो, अब मुझे उल्टा बोल के उनको बोलो जाके कि उन्होंने मुझे भी बनाया और मुझे इस तरह उल्टा क्यों बुलवाया। अब आप इस पे आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आप जैसे आप जो बोलते हो उसको खरे पैरामीटर पे लेके आओ, मैं भी चुप रहूंगा, लेकिन यहां पे चुप नहीं कराओगे कि उनके ऊपर आवाज नहीं उठाओगे, उनसे बड़ी सत्ता कोई नहीं है, उनसे बड़ी सत्ता कोई नहीं है, उनसे बड़ी सत्ता सचमुच कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं है, ये कुदरत से बड़ी सत्ता दूसरी नहीं है, ये प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मालिक है हम लोगों की, इसके द्वारा हम लोगों का पालन पोषण होता है, इसके अलावा कोई भी शक्ति नहीं है। तो आइए अब यहीं पे फिर नहीं रुका, जो जन्म का तरीका है अब शिव पुराण में ये जन्म कथा फिर बदल जाती है। आइए प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, अब इस आगे शिव पुराण की कथा को बच्चे ने कैसा जन्म लिया, इसमें तरीका बदल गया, तिथि वही है, तरीका फिर बदल गया।
अब आप इस कथा में अपने शरीर का मैल हटाने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया और उस उबटन को पूरे शरीर से रगड़ रगड़ कर निकाला और एक पुतला बना के उसमें प्राण डाल दिया। ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका सवाल यही होगा, लेकिन मेरा सवाल यहां है कि कैसे, क्योंकि मैल से बनाया नहीं जा सकता, कोई निर्माण किया नहीं जा सकता, उसमें मैल में किसी तरह की कोशिकाओं का संरचना नहीं हो सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से मिथ्या है। तो आप लोग मान सकते हो क्योंकि आप लोग पाखंडी और अंधविश्वास में लवरेज हो, आपको ईश्वर की कृतियों पर पूर्ण विश्वास है, आप उससे सवाल नहीं करना चाहते हो, तो आप मुझसे बहस न कर ईश्वर से सवाल करिए कि इस आदमी को बनाया क्यों जो आप ही की धज्जियां उड़ा रहा है। तो वो ईश्वर भी आपका आके कहानी बदलेगा, कुछ तो सच लिखेगा। तो मेरा सवाल आगे है, जब वो मैल से पुतला बना लिया और तैयार कर लिया, उसमें उसको गणपति का नाम दे दिया, अब उसे द्वार पे बैठने का आदेश दे दिया और इतने में ही अंदर पार्वती जी हैं और उसे आदेश दे दिया किसी को अंदर आने नहीं देने का। अब बालक बैठा है, प्रभु चले आ रहे हैं, प्रभु यानी भोलेनाथ वो चले आ रहे हैं और प्रभु की महिमा देखी, अपनी ही पत्नी के बनाए हुए अंतर्यामी चारों युग मतलब सारे ब्रह्मांड के ये सब स्वामी है, इनकी आंखों से क्या छिपा रह सकता है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन आपके प्रभु को ये नहीं दिखाई दिया कि वह जो बालक वहां बैठा है वो उन्हीं का बेटा है और वो क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं उससे क्रोध करके और उस युद्ध में उस अबोध बालक का धड़ सिर से अलग कर देते हैं। अब आप खुद बताइए, ये जो अबोध बालक का सिर अलग हो गया तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर भागी भागी मां आएगी और रोएगी, वही कहानी सिंपल सी जो होती है। तो यहां पर खूब रोने लगी जबकि मैल से ही बनाया था, अरे एक दिन फिर लगा लेती, भाई दो दिन ना नहाओ फिर तो मैल जमी जाती है ना, सीधी सी बात है, दो तीन दिन नहाया ना होता और फिर उबटन लगा के वो मैल निकालती फिर बना लेती। आखिर एक मानव में का स्वरूप बदलता, बदलने से बच जाता, क्योंकि आप सामने मतलब भविष्य देखने वाले भी थे। तो यहां पर फिर वहां भी गरुड़ जी को दिया गया था काम, यहां भी गरुड़ जी को काम दे दिया गया। अब यहां यह कहा गया कि तुम उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ और उत्तर की दिशा में जब जाओगे, जो मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके बैठी होगी या सोई होगी, उस बच्चे का सिर ले आना। अब गरुड़ जी वहां भी सिर लेके आए थे और गरुड़ जी यहां भी सिर लेके आए हैं। तो यहां पर गए वो और हाथी के बच्चे का सिर ले आए, उन्हें कुछ नहीं दिखा, वही ले आए और शिव जी को दे दिया। शिव जी ने शरीर को सिर में जोड़ दिया और प्राण डाल दिया और गणेश जी के शरीर में हाथी का सिर और बंदा जिंदा। अब यहां पर देखिए कितनी कितनी भक्ति दिखाई गई है। तो यहां पर जो भोले भाले लोग हैं जिनकी समझ यहां तक नहीं पहुंच रही है, ये उन्हीं के लिए है। ये पैरामीटर जो बनाया गया है ये बहुत ही तरीके से डिजाइन किया गया, जैसे वोल्टेज मीटर होता है वैसे ही गणेश जी का निर्माण किया गया और गोबर गणेश भी कहा है, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये गोबर गणेश क्यों कहा। अरे भैया गोबर गणेश इसलिए कहा कि गोबर में कोई अपनी बुद्धि विवेक नहीं होता और वो आपके पास भी नहीं है, उन्होंने चेक कर लिया। अब जब अंतिम में बात आती है, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु अनादि है, उनका कोई आज मतलब अंत नहीं है, तो अब आप बताइए इस कहानी में आपको क्या ऐसा लगा कि वो बुद्धि के प्रतीक थे।
वो बुद्ध की नहीं, बुद्ध की टेस्टिंग के प्रतीक थे। यहां पर मैं गणेश को एक स्वरूप नहीं मानता, मैं ये मानता हूं यहां पे गणेश जी को कि गणेश जी एक टेस्टिंग इक्विपमेंट थे। किसके? ओबीसी एससी के। वो ओबीसी एससी के लिए टेस्टिंग पैरामीटर बनाए गए थे कि अगर ये पैरामीटर इनके ऊपर लगा दो तो चेक हो जाएगा कि ये गोबर के गणेश हैं कि नहीं है। तो आप सभी इस कहानी से यदि मेरी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप भी एक बार हाथी की गर्दन का चित्र ही काट के, वास्तव में मत काटिएगा क्योंकि ये क्रूरता हो जाएगी, तो आप फोटो काट के और एक मेरी फोटो ले लेना, मेरी गर्दन काट के फोटो की, और उस फोटो की काट के लगा के देखना जरा सूंड़ ऐसे जाती है कि ऐसे जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा टेस्ट करिएगा। आप भी दिमाग थोड़ा खोलिए क्योंकि ये ऊपर वाला यही है, वो ऊपर वाला आपका कभी आ नहीं सकता, लेकिन ये ऊपर वाला आपको तरह तरह के संकेत देता है। आग जल रही होती है तो उंगली ले जाते हो, दिमाग पहले बता देता है ये जल जाओगे, इसमें आग है, ठीक है। तो इसी तरह और भी चीजें आपके साथ कॉमन होती हैं, तो उन सब चीजों से आप सीखिए। और यहां पर भी आप ईश्वर को पुल मानिए, लेकिन ऐसे ना मानिए आप भैया हमें पर्टिकुलर ईश्वर है तो इन तरह तरह की कहानियों को डिजाइन करके क्यों दिया, उसने आकर क्यों नहीं बताया एक अवतार लेके कि ये कहानी रॉन्ग है, ये कहानी गलत है, सही कहानी क्यों नहीं देते हो आप? ईश्वर के साथ भी छल कर रहे हो, आखिर ये ईश्वर के साथ छल करने वाला कौन है, वो धूर्त कौन है? उस धूर्त की तलाश करो। जिस दिन आप उस धूर्त की तलाश कर लोगे, निसंदेह आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। तो आप इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करिए और अपने बुद्ध विवेक का इस्तेमाल करिए। तो यहां पर आप ये जान चुके होंगे कि गणेश जो है वह एक प्रतीक मात्र है। वो प्रतीक क्या है? वो बायोलॉजिकल बॉडी नहीं है, उसका कोई बायोलॉजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व है कि भोले भाले लोगों को कैसे चेक किया जाए कि वो बुद्धिमान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो बुद्धिमान कैसे हो रहे हैं। अगर आप सवाल उठा दोगे गौरी गणेश जो गोबर का बना हुआ है, आप कहोगे ये कैसे हो सकते हैं, दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको बताया जा सकता है कि ये गौरी गणेश हैं, मलमूत्र को गौरी गणेश बता रहे हो आप, इतना निकृष्ट काम, और जो सामने वाला है वो स्वीकार भी कर ले रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे ये टेस्टिंग हो गया कि गोबर का गणेश वो गोबर का गणेश बनाने वाला नहीं है, जो बना हुआ है गोबर के डिजाइन में आपने स्वीकार कर लिया तो उसको पता लग गया गोबर का गणेश सामने वाला है जिसने स्वीकार कर लिया। तो गोबर का गणेश मत बनिए, ज्ञान का दिया जलाइए, इसी में आपके समाज, आपके पूरे ब्रह्मांड और तभी वसुदेव कुटुंबकम की भावना लोगों के बीच आएगी। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह की जागरूकता और पाखंड को मिटाने की और जागरूकता को आगे लाने की जो बातें हैं, आप सभी भी मुझे लाइक और कमेंट करके बताया करिए। अगर जिन कहानियों में थोड़ा सा भी ऐसा मिलता है जो तर्क के कसौटी पर खड़ी नहीं है, मैं ईश्वर पर कोई वार नहीं करता, ईश्वर को कोई उनके लिए कोई अस्वीकारोक्ति नहीं है मेरे मन में, मैं केवल यही इतना करता है कह रहा हूं कि ईश्वर के साथ जिन्होंने छल किया है, अगर ईश्वर की तिथि इन्होंने बता दी है गणेश की, तो तिथि के बाद इनको जन्म तरह तरह से नहीं बताना चाहिए था। अगर तरह तरह से बताया है वो भी पुराण लिख के, तो निश्चित तौर पर गलत वो हैं जिन्होंने ये पुराण लिखे हैं, जो इन पुराणों को मान रहे हैं। तो
ईश्वर उतना तुम्हारा भी है, ईश्वर अगर है तो उतना ही मेरा भी है। तुमको ईश्वर ने कह दिया मेरी भक्ति करो, और मेरे को ईश्वर ने कह दिया कि सबकी आंखें खोलो, और मैं सबकी आंखें खोल रहा हूं। और अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो सदियों लोगों की नहीं खुली हैं भाई। ढोर डंगर भी तो हैं धरती पर, उनको ना सिखाया जा सकता है, ना उनको पढ़ाया जा सकता है, ना उनको जागरूक किया जा सकता है। तो आप जिन्हें लगता है कि मैं पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से काटने का काम कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और तावार तोड़ धूम मचा दें जागरूकता की ओर, कि हम विश्व में मानवता की भावना ले आए और ईश्वर पे लगाए गए ये झूठे लांछनों को खत्म करने के लिए हम लोग काम करें। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, नमस्कार।